प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से पवित्र आत्मा के विषय एक गहरा अध्ययन लेकर आई हूँ, जिसे आप ध्यान पूर्वक सुने। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है पवित्र आत्मा ट्रिनिटी अर्थात त्रिएक परमेश्वर के तीन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति है, अर्थात वह परमेश्वर पिता का ही एक रूप है। पवित्र आत्मा का दूसरा नाम सहायक है, अर्थात सहायता करने वाला। पवित्र आत्मा मनुष्य को परमेश्वर के सच्चे व सिद्ध मार्ग पर चलने की बुद्धि प्रदान करता है। मनुष्य तो इस संसार में अपनी बुद्धि से योजनाएं बनाता है, परंतु परमेश्वर का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा मनुष्य को परमेश्वर की इच्छा में चलने का ज्ञान तथा बुद्धि प्रदान करता है। हमें सदा पवित्र आत्मा की सहायता अपने जीवनों में मांगनी चाहिए। वही सहायता हमें परमेश्वर के मार्गों पर चलने में फिर हमारी मदद करती है, अर्थात यह है कि परमेश्वर के ज्ञान और स्वर्गीय शिक्षाओं को पाने के लिए पवित्र आत्मा ही हमारी सहायता करता है। जैसा 1 कुरिन्थियों 2:10-11 वचन में भी लिखा है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के गुप्त भेदों को जानने के लिए हमें दिया गया है, क्योंकि परमेश्वर की बातें कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही जानता है। इस वचन से यह भी साफ स्पष्ट होता है मेरे प्रियो कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की ही आत्मा है, जो हमें परमेश्वर के ज्ञान से परिपूर्ण करता है तथा हमारी सहायता करता है इस जीवन रूपी बुराइयों से बचने में। जब भी आप किसी संकट में हो या किसी उलझन में हो या कोई निर्णय ना ले पा रहे हो, तो आप पवित्र आत्मा से सहायता मांगे, प्रार्थना करें उस मुश्किल से बाहर आने के लिए, तो वह निश्चय ही आपकी सहायता करेगा। और यदि आप सही रीति से प्रार्थना करना भी नहीं जानते हो, तो आप पवित्र आत्मा की सहायता मांगे, वह आपको प्रार्थना करने में भी सहायता प्रदान करता है। जैसे बाइबल में रोमियो अध्याय 8:26 वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा हमारी कमजोरियों में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा ही आहें भर भर कर हमारे लिए विनती करता है। अर्थात परमेश्वर की यह आत्मा हम मनुष्यों की कमजोरी को भली प्रकार जानता है, तो वह हमारी मदद करता है इस कमजोरियों से बाहर आने में, और प्रार्थना करने में वे हमारी सहायता करता है। पवित्र आत्मा ही वह सहायक है जो हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना सिखाता है। और बाइबल दर्शाती है 14:26 वचन में कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। अर्थात यीशु इस वचन में अपने चेलों को पवित्र आत्मा के विषय ही समझा रहे हैं कि किस प्रकार परमेश्वर का आत्मा हमें परमेश्वर के पवित्र वचनों पर चलने में सहायता करता है। यह तो सत्य है भाई और बहनों कि मनुष्य खुद से अपने मन से परमेश्वर के वचनों में तथा उसकी आज्ञाओं में निरंतर बना नहीं रह सकता, क्योंकि संसार की बुराइयां कहीं ना कहीं मनुष्य को गिरा देती हैं। इसीलिए परमेश्वर दयालु है, उसने यह जानते हुए कि मनुष्य खुद से परमेश्वर के पवित्र मार्गों में बना नहीं रह सकता, इसीलिए परमेश्वर ने हमें एक सहायक प्रदान किया है पवित्र आत्मा के रूप में, जो परमेश्वर की पवित्रताई में बने रहने में हमारी निरंतर सहायता करता है। और पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य भी प्रदान करता है परमेश्वर के कार्यों में, उसके वचनों में, उसकी आज्ञाओं में बने रहने के लिए। जैसे प्रेरितों 1:8 वचन में लिखा भी है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, यही है पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। जैसे मनुष्यों को शरीर चलाने के लिए भोजन वस्तु की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार
आत्मा को चलाने के लिए एक ईश्वरीय सामर्थ्य की आवश्यकता होती है और वह सामर्थ्य हमें पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। मनुष्य खुद से पापों से बुराइयों से मन नहीं फिरा सकता, परंतु पवित्र आत्मा की सहायता से यह संभव है, क्योंकि वचन कहता है, ना तो बल से ना तो शक्ति से, केवल परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। प्रत्येक मनुष्य को परमेश्वर ने अंतरात्मा दिया होता है, भले व बुरे को पहचानने के लिए व सही गलत की परख करने के लिए। फिर भी मनुष्य पाप में गिर जाता है। वह जब ही पाप से बच पाता है, जब वह उद्धार के लिए यीशु मसीह को स्वीकार करता है। जब तक वह यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करता, तब तक पवित्र आत्मा नहीं मिलता। एक मनुष्य को पवित्र आत्मा तभी मिलता है जब वह पापों से मन फिराकर प्रभु यीशु को अपना एकमात्र उद्धारकर्ता स्वीकार करता है। पवित्र आत्मा हर मनुष्य का हिस्सा नहीं होता, बल्कि मनुष्यों में तो एक अंतर आत्मा वास करता है, जिसके द्वारा मनुष्य सही और गलत का चयन कर सके। परंतु पवित्र आत्मा उद्धार के ही पश्चात यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करने के पश्चात मनुष्य में आकर बसता है तथा उसे परमेश्वर के आधार पर चलने में तथा पापों से फिर बचे रहने में निरंतर सहायता करता है। अंतरात्मा तो हर मनुष्य में होती है, परंतु पवित्र आत्मा केवल मसीह विश्वासियों में ही होती है। तभी तो संसारिक मनुष्य हर दिन पाप में गिरता जाता है, क्योंकि मनुष्य की अंतर आत्मा मनुष्यों को पाप करने से बचाने में सामर्थ्य नहीं होती। वह शुष्क होती है, पाप की प्रभुता से हार जाती है और झुलस जाती है। परंतु पवित्र आत्मा मनुष्यों को कभी नहीं छोड़ती। वह पाप पर विजयी आत्मा है। वह मनुष्यों को परमेश्वर की योजनाओं का, उसकी इच्छाओं का हर दिन ज्ञान देती है। जो सदा पवित्रताई का होता है, उसमें पाप नहीं मिला होता। और जो मनुष्य परमेश्वर पर, यीशु पर विश्वास करता है, उसे बचाने में पवित्र आत्मा अर्थात मीरास में पवित्र आत्मा दिया जाता है। मीरास अर्थात उत्तराधिकार। जी हाँ भाइयों बहनों, परमेश्वर ने यीशु पर विश्वास करने के साथ ही हमें पवित्र आत्मा बयाने में दिया है, जो हमारी निर्बलताओं में हमारी सहायता करता है तथा परमेश्वर के वचनों में, उसकी आज्ञाओं में बने रहने में हमारी सहायता करता है। इस संसार का मनुष्य तो अपने अच्छे कामों के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, अपने कर्मों को अच्छा करने के लिए। यह संभव है मेरे प्रियो कि मनुष्य अपनी बुद्धि से कुछ हद तक अपने कर्मों को, जो पृथ्वी भर के हैं, अच्छा कर भी ले, परंतु परमेश्वर के कार्यों को, उसकी इच्छाओं को, उसकी योजनाओं को पूरा करने के लिए, परमेश्वर के पवित्र मार्गों पर पूरी तरह चलने के लिए तो पवित्र आत्मा की ही आवश्यकता होती है, जो केवल यीशु पर विश्वास करने के पश्चात पूरी तरह मन फिराव के लिए पवित्र आत्मा हमें सहायक के रूप में दी जाती है। मनुष्य में तो अंतर आत्मा जन्म से ही होती है, परंतु पवित्र आत्मा मनुष्य को नए सिरे से जन्म लेने पर, प्रभु यीशु पर विश्वास कर बपतिस्मा लेने पर मिलती है। पवित्र आत्मा मनुष्य की अंतरात्मा का भी मास्टर है। जब एक व्यक्ति मसीह बन जाता है, तो पवित्र आत्मा मनुष्य की अंतरात्मा पर अधिकार लेता है तथा उसे शुद्ध करता जाता है। मनुष्य की आत्मा संसारिक माहौल से शीघ्र प्रभावित होकर पाप में गिर जाती है, परंतु पवित्र आत्मा ऐसा नहीं होता। वह मनुष्य को पाप में गिरने से सदा बचाता रहता है और फिर मनुष्य को परमेश्वर के वचनों का ज्ञान दे देकर उसे पवित्रताई में चलने में भी सहायता करता है। और इससे अधिक पवित्र आत्मा के फलों के विषय में हम बाइबल में पढ़ चुके हैं, और परमेश्वर पवित्र आत्मा की सहायता से हम में वह फल उत्पन्न करता है। यह पवित्र आत्मा के 9 वरदान है, जो उन्हें ही मिलता है जो प्रभु यीशु मसीह को एकमात्र अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर करुणामय है, दयालु है। वह मनुष्य की कमजोरियों को भली प्रकार जानता है। वह जानता है कि मनुष्य संसार रूपी लालसाओं में फंसकर उसका गुलाम बन जाएगा तथा फिर नाश हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने इसका उत्तम तथा सरल मार्ग तैयार किया, अपना आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा सहायक के रूप में प्रदान करके, जिसे पाकर मनुष्य बुराइयों से,
पाप से, गलत आदतों से मन फिरा सकता है। पवित्र आत्मा मनुष्य को अंश अंश करके बदलता है तथा परमेश्वर के मार्गों के लिए उसे तैयार करता जाता है। तब मनुष्य उसे पाकर, आदर कर एक सिद्ध तथा फलवंत मसीह बनता जाता है। मनुष्य की अवस्था चाहे कितनी ही बेडोल हो या कितनी ही अंधियारी हो, पवित्र आत्मा उसमें जीवन भरने के लिए सामर्थ्य रखता है, अर्थात निराशा में आशा प्रदान करता है, हमारे दुखों में हमारा सहभागी बनता है तथा हमें टूटने व बिखरने नहीं देता। और कोई भी नेगेटिव थॉट्स हम पर हैवी नहीं हो पाते, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें नकारात्मक विचारों से बाहर निकलने में सदा हमारी सहायता करता है, जो कि मनुष्य की अंतरात्मा नहीं कर पाती। तभी तो आज बहुत से मनुष्य सुसाइड भी कर जाते हैं। परंतु जिसने पवित्र आत्मा पाया है तथा उसका विवेक आत्मा की परिपूर्णता से शुद्ध है, तो वह कभी ऐसा नहीं करता। पवित्र आत्मा उसके अंधियारे जीवन में एक नई रोशनी उत्पन्न करता है। जैसे हम बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति में पाते हैं कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। और आगे आप पढ़ भी सकते हैं कि कैसे बेडोल पृथ्वी पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा फिर सुडोल बन गई। बिल्कुल इसी प्रकार मेरे प्रियो, मनुष्य भी बेडोल अवस्था को सुडोल अवस्था में पवित्र आत्मा ही सामर्थ्य है उसे बदलने के। तो मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा को अपने जीवनों में विशेष स्थान दे, सदा उसकी सहायता को मांगे तथा उसकी आज्ञाओं में निरंतर चले। वही आपको एक सिद्ध तथा फलवंत मसीह होने में आपकी सहायता करता है। तथा कभी भी पवित्र आत्मा की निंदा ना करें, क्योंकि बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा की निंदा की कोई क्षमा नहीं है। तो पवित्र आत्मा का सदा आदर करें, सदा जीवन के हर कार्यों में उसकी अगुवाई में होकर चलें और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास में हर दिन बढ़ते जाएं और आत्मा के फल उसके वरदानों को प्राप्त करते जाएं, तभी आप परमेश्वर की फलवंतता में बढ़ पाएंगे। वैसे तो पवित्र आत्मा के विषय और बहुत सी अच्छी बातें हैं बताने को, परंतु अब अभी इस वीडियो में इतना ही, और आगे इसके विषय मैं एक और वीडियो बनाऊंगी। अभी आप पवित्र आत्मा को पूर्णतया प्राप्त करने के लिए निरंतर आत्मा में प्रार्थना में बने रहें तथा अनंत जीवन की खोज में सदा तत्पर रहें और अपने जीवन रूपी धर्म रूपी मार्गों में सदा पवित्र आत्मा की सहायता को मांगे और उसकी अधीनता में चले। हालेलुया। आशा करती हूँ पवित्र आत्मा का यह गहरा अध्ययन आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। आप इसे दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।